नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। 1 जुलाई 2021 से, जी हाँ 1 जुलाई 2021 से टीडीएस प्रोविजंस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 206AB, स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल बात करता है, अगर 1 जुलाई से आप जो है टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर आपने सेक्शन 206AB का कंप्लायंस किया हो। अगर आपने सेक्शन 206AB का कंप्लायंस नहीं किया तो ऐसे में आप SSC इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। तो सेक्शन 206AB क्या है, डिटेल में हम समझेंगे क्या नया स्पेशल प्रोविज़न इंसर्ट किया गया है। स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं, इनकम टैक्स को लेकर, GST, TDS, अकाउंटिंग को लेकर, ROC फाइलिंग, ESI, PF को लेकर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, बहुत सारी डेमो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल प्रोविज़न, जो कि बेसिकली इंसर्ट किया गया है TDS के रिगार्डिंग। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 206AB जो बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो उस केस में आपको कितना TDS डिडक्ट करना है। तो यहां पर सेक्शन 206AB बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 1 जुलाई 2021 से। 1 जुलाई 2021 से जब भी आप TDS डिडक्ट करें, चाहे वो 194C के तहत है, चाहे वो 194H के तहत है, वो किसी भी सेक्शन के तहत है, आपको सेक्शन 206AB का कंप्लायंस चेक करना ही होगा। तो सेक्शन 206AB हमें क्या बताता है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितने भी अदर प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग TDS रिडक्शंस, उन सभी को ओवर रूल करता है। वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B। चैप्टर 17B में बात होती है TDS डिडक्ट करने की। तो यहां पर कहा गया है चैप्टर 17B में जहां पर भी टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सेक्शन 194A के तहत है, चाहे वो सेक्शन 194C के तहत है, चाहे वो सेक्शन 194J के तहत है, ऑन एनी सम और इनकम और अमाउंट पेड और पेबल और क्रेडिटेड बाय ए पर्सन टू ए स्पेसिफाइड पर्सन द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग। तो जो टैक्स आप डिडक्ट करेंगे वो, ये जो तीन रेट्स बताई गई हैं, इन तीनों रेट्स में से जो सबसे ज्यादा बड़ी रेट होगी वो आप उस रेट के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट करेंगे। पहली बताई गई ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि उस रेलिवेंट सेक्शन में जितनी TDS रेट बताई गई है उसका ट्वाइस, उसका दो गुना। मान लीजिए मैं बात करता हूं सेक्शन 194H की, जो बात करता है TDS ऑन कमीशन की, जिसमें आपको 5% का TDS डिडक्ट करना होता है इन केस ऑफ कमीशन, तो इसका दो गुना मींस यहां पर 10%। उसके बाद बताया गया एट ट्वाइस द रेट और रेट्स इन द फोर्स, जो भी रेलिवेंट रेट्स है, जो इन फोर्स है, जो एप्लीकेबल रेट्स है, उसका दो गुना। कौन सी रेट, जो आपकी फाइनेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब की जाती है, जो आपकी इनकम टैक्स रेट्स, जो आपकी जो फाइनेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई है, उसका दो गुना। थर्ड बताई गई एट द रेट ऑफ 5%। तो मान लीजिए आपकी फाइनेंस एक्ट में जो प्रिस्क्राइब रेट है वो मान लीजिए 30% है, तो उसका दोगुना हो गया 60%। तो इन तीनों में से जो भी हायर होगा, तो यहां पर 60% हायर रेट है, तो 60% के अकॉर्डिंग आप TDS डिडक्ट करेंगे। अब बात आई कि किस केस में सेक्शन 206AB एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर बताया गया कि जो डिडक्टर है, दैट मींस जो पेयर है, जो पेमेंट कर रहा है, अगर वो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहा है,
तो सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो ऐसे में जो रेलिवेंट सेक्शन होगा दैट मींस सेक्शन 194 एच के तहत अगर टीडीएस रिडक्ट होना है तो सेक्शन 194 एच की टीडीएस रेट एप्लीकेबल होंगी। सेक्शन 194 सी के तहत अगर टीडीएस एप्लीकेबल होना है तो सेक्शन 194 सी की टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल होंगी। लेकिन जहां पर स्पेसिफाइड पर्सन को अगर पेमेंट की जा रही है तो वहां पर जो रेलिवेंट सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस बताए गए जहां पर सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केसेस में जो है सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सा? सेक्शन 192 दैट मीन्स टीडीएस ऑन सैलरी। अगर सैलरी पर कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाना है तो भले ही जो व्यक्ति है वो स्पेसिफाइड पर्सन हो या अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन हो, सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 192 ए जो बात करता है टीडीएस ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जो प्रोविडेंट फंड से आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो कि आपका इनकम पार्ट बनता है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो उस केस में भी सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 194 बी जो बात करता है क्रॉसवर्ड लॉटरी पजल्स वगैरह की, सेक्शन 194 एलबीसी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन, सेक्शन 194 एन टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, तो इन सभी सेक्शंस पर सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मींस इन सेक्शंस में जो रेट्स बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इनके अलावा, इन सेक्शंस के अलावा अगर और किसी सेक्शन के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाना है तो आप चेक करेंगे जिस व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति का जो स्टेटस है, क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन के तहत आता है या फिर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन के तहत आता है। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन के तहत आता है तो सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल हो जाएगा और जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो डिडक्ट होगा ट्वाइस द रेट ऑफ द रेलिवेंट सेक्शन, ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स और एट द रेट ऑफ 5%। तो इन तीनों में से जो भी हायर रेट होगी उस रेट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब बात आई कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन मींस ए पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। तो पहली बात तो यहां पर वर्ड यूज किया गया पर्सन, तो पर्सन की डेफिनेशन में आप सबको पता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सभी इंक्लूड्स होते हैं। तो दैट मींस स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब यहां पर इन सभी से है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो। हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम, जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना की हो। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं और यहां पर मिस्टर वाई को कोई पेमेंट कर रहे हैं और 194 सी के तहत कोई टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मिस्टर वाई ने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं की है। तो बात आई कौन से ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहां पर बताया गया फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द टू प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो मान लीजिए सेक्शन 194 सी के तहत जो टीडीएस डिडक्ट किया जाना है वो डिडक्ट किया जाना है 2021-22 में, 10 जुलाई 2021 को यह टीडीएस डिडक्ट किया जाना है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा है ईयर 2021-22, इससे जस्ट पहले के जो दो फाइनेंशियल ईयर है, जो दो प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर है आपके 2020-21 और 2019-20। इन दोनों प्रीवियस ईयर के जो असेसमेंट्स ईयर है, तो ये आपके हैं प्रीवियस ईयर और यहां पर असेसमेंट ईयर है इनके 2021-22 और 2020-21। इन दोनों की अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो ऐसे में यह व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात और कही गई कि ये जो प्रीवियस ईयर है 2021, जिसका असेसमेंट ईयर है 2021-22,
इसकी जो ड्यू डेट है अभी एक्सपायर नहीं हुई है। आप सबको पता है इसकी ड्यू डेट पहले थी 31 जुलाई और अब कर दी गई है 30 सितंबर 2021। तो दैट मींस इस प्रीवियस ईयर के लिए, इस असेसमेंट ईयर के लिए तो अभी ड्यू डेट बाकी है, वो व्यक्ति ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर सकता है। तो ऐसे में कहा गया कि जो पिछले 2 साल हैं, अगर उनमें से कोई साल ऐसा है जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है, तो ऐसे में आप उससे और 1 साल पहले की रिटर्न कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 2018-19 असेसमेंट ईयर 2019-20 की इनकम टैक्स रिटर्न चेक करेंगे, और अगर ये दोनों सालों की रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो ऐसे में मिस्टर वाई क्या माने जाएंगे, एक स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे, और इन पर जो टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल होंगी वो सेक्शन 206 एबी के तहत अप्लाई होंगी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द टू प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 हैज बीन एक्सपायर्ड। तो हमारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर 19-20 और 18-19, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2021 और 19-20 की जो ड्यू डेट्स हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो ऐसे में अगर इन दोनों सालों के लिए रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो मिस्टर वाई क्या माने जाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन हिज केस इज ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ दीज टू असेसमेंट ईयर्स। तो जैसा कि हमने इन दो असेसमेंट ईयर को चेक किया कि ये जो दो असेसमेंट ईयर हैं इनकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, तो हमें साथ में एक और कंडीशन चेक करनी है कि जो टीडीएस यहां पर डिडक्ट किया गया हो इन सालों में वो 50,000, 50,000 और मोर। असेसमेंट ईयर 2021 में भी 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस डिडक्ट हुआ हो मिस्टर वाई का, और असेसमेंट ईयर 1920 में भी ₹50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस डिडक्ट हुआ हो मिस्टर वाई का, तो ये दोनों कंडीशन, नंबर वन आईटीआर फाइल हुई ना हुई हो दोनों सालों की, और इन दोनों ही सालों में 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस डिडक्ट हुआ हो, तो ऐसे में यह व्यक्ति क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। और स्पेसिफाइड पर्सन को अगर पेमेंट की जा रही है तो ऐसे में सेक्शन 206 एबी के तहत जो रेट्स दी गई हैं वो आपकी एप्लीकेबल होंगी। उसके अलावा एक और बात इस सेक्शन के अंदर बताई गई कि एक सेक्शन है 206 डबल ए, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट करना है और वह व्यक्ति अगर अपना पेन परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं करता है तो ऐसे में जो है 20% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो वहां पर सेक्शन 206 डबल ए में देखेंगे कि जो रेट्स बताई गई है वो रेट्स बताई गई है हायर ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन, द रेट स्पेसिफाइड इन द फाइनेंस एक्ट, और एट द रेट ऑफ 20% विच एवर इज हायर। तो अब एक बात आई कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और वह व्यक्ति अपना परमानेंट अकाउंट नंबर भी फर्निश नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या उस पर सेक्शन 206 ए बी एप्लीकेबल होगा क्योंकि उसने रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर उस पर सेक्शन 206 डबल ए एप्लीकेबल होगा क्योंकि उसने पैन नंबर फर्निश नहीं किया है। तो ऐसे में यहां पर बताया गया कि उस केस में इन दोनों ही सेक्शनों के तहत टीडीएस रेट निकाली जाएगी और उनमें से जो हायर होगी वो रेट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि सेक्शन 206 ए बी में जो पहली रेट बताई गई वो रेट बताई गई ट्वाइस द रेट ऑफ द रेलिवेंट प्रोविजन, और जबकि 206 ए में बताई गई एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन। तो इसका मतलब पहली कंडीशन में हमेशा जो टीडीएस होगा वो सेक्शन 206 ए बी का ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन बताई गई ट्वाइस द रेट और रेट इन द फोर्स, जबकि 206 डबल ए में बताई गई एट द रेट और रेट्स इन फोर्स। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन में भी हमेशा सेक्शन 206 ए बी का टीडीएस ज्यादा होगा। तीसरी कंडीशन के अंदर यहां पर 5% की रेट दी गई जबकि यहां पर 20% की रेट दी गई, तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन में जो रेट होगा वो सेक्शन 206 डबल ए का ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं 20% कर देता हूं तो
इन तीनों में से जो भी हायर रेट होगी वो रेट एप्लीकेबल होगी। तो ध्यान रखें, जहां पर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं तो आप दोनों ही सेक्शंस के अकॉर्डिंग टीडीएस रेट निकालेंगे और उनमें से जो हायर रेट होगी उस रेट पर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो सेक्शन 206 ए बी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह सेक्शन 206 ए बी को आप अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की है फॉर द लास्ट टू असेसमेंट ईयर्स। तो ऐसे में इनकम टैक्स पोर्टल पर फंक्शनलिटी आपको अवेलेबल कराई जाएगी जहां पर आप पैन नंबर फर्निश करते हुए यह चेक कर पाएंगे कि उस व्यक्ति ने जो है टू असेसमेंट ईयर्स के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की है। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और सेक्शन 206 ए बी को लेकर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।